प्रस्तुत है केंद्रीय अभिलेखागार द्वारा निर्मित लोकगीत एवं लोक भजनों पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्रगट भयो गोपाला। वाचक स्वर शोभना भारद्वाज एवं सिद्धार्थ भारद्वाज। परिकल्पना आलेख एवं प्रस्तुति रंगोली श्रीवास्तव। प्रगट भयो गोपाला। जिसने जैसी छवि देखी वैसा ही नाम रख दिया। नटखट, श्याम, चितचोर, मोहना, छेला, बंसी बजाइया और भी कई। लोक साहित्य में लोक रस स्वरूप में कन्हाई देश की गली गली कोने कोने में विद्यमान है। जीवन कृष्णमय हो ऐसी आस आज भी लोक भजनों में स्पष्ट दिखती है। अपने हर प्रसंग से लोगों को आह्लादित करने वाले श्री कृष्ण यूं तो देवकी वसुदेव के पुत्र थे, पर उनका पालन पोषण नंद जसोदा ने किया। भाद्रपद की अष्टमी को रात्रि में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। देवकी के भाई कंस के डर से पिता वसुदेव ने उन्हें नंद के घर पहुंचा दिया और नंद की पुत्री योगमाया को साथ ले गए। कृष्ण आगमन से गोकुल में उत्साह की लहर दौड़ गई। नंद भवन में
बालक कृष्ण की हर छवि पर मैया बलिहारी जाए। उनका मुस्कुराना, सुंदर नैनों से मैया को निहारना, अस्पष्ट वाणी से मैया मैया पुकारना। गोप नंद के यहाँ अनेक कौवें थीं। नन्हे नन्हे पग धरते हुए कनाई दूसरे ग्वाल बालों के साथ गौवे चराने जाने लगे। बंसी वो इतनी मधुर बजाते कि पशु, पक्षी, मनुष्य सब विभोर हो जाते। भोर पड़े मैया जसोदा उन्हें बड़े प्यार से जगाती। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती घोर भयो है, रजनी बीती घोर भयो है, घर घर खुले की वारे, जागो बंसी वारे ललना, जागो जागो बंसी
घर में हमेशा प्रचुर मात्रा में दूध, दही, माखन रहता। और माखन तो नटखट कन्हाई का बहुत प्रिय था। अब कन्हैया का मन माखन खाने का करे और हांडी ऊपर टंगी हो तो कैसे उतारे, ये तो उन्हें पता था। पर मैया जसोदा को क्या बताएं? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो, चार पहर बंसी बट भटक्यो, चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, छींको के ही विध पायो। मैया मोरी छींको के ही विध पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे है, ग्वाल बाल सब बैर परे है, बरबस मुख लपटायो रे। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये ले अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब भी हसी जसोदा, सूरदास तब भी हसी जसोदा, लैउर कंठ लगायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बाल सखाओं के साथ मिलकर काना बहुत शरारत करते और नए नए खेल खेलते। डोली डंडा पाल की जय जय कन्हैया लाल की, डोली डंडा पाल की जय जय कन्हैया लाल की, डोली डंडा पाल की चले पाल की झिक झिम झिक झिम, बरसे पानी रिम झिम रिम झिम, चले पाल की झिक झिम झिक झिम, बरसे पानी रिम झिम रिम झिम, फोटो मंजी फिसले लुड़के जैसे लोकी डाल के, जैसे लोकी डाल के, डोली डंडा पाल की जय जय कन्हैया लाल की, डोली डंडा पाल की। फेल हुए जब भोंदू भाई घर जाकर यूं खुशी मनाई, फेल हुए जब भोंदू भाई घर जाकर यूं खुशी मनाई, अपना खरीदने मुझे पड़ेगी नई पुस्तकें साल की, अपना खरीदने मुझे पड़ेगी नई पुस्तकें साल की, डोली डंडा पाल की जय जय कन्हैया लाल की, डोली डंडा पाल की। खाओ माखन मिश्री खाओ, दूध पियो बल वजन बढ़ाओ,
खाओ माखन मिश्री खाओ दूध पियो बल वजन बढ़ाओ मगर बताओ भैंस बड़ी या अकल बड़ी गोपाल की मगर बताओ भैंस बड़ी या अकल बड़ी गोपाल की डोली डंडा पाल की जय जय कन्हैया लाल की डोली डंडा पाल की जय जय कन्हैया लाल की डोली डंडा पाल की जय जय कन्हैया लाल की डोली डंडा पाल की जय जय कन्हैया लाल की डोली डंडा पाल की जय जय कन्हैया लाल की डोली डंडा पाल की। कभी पनघट पर पनिहारन की मटकी से पानी ढलकाते तो कभी किसी चपला से ठिठोली करते। बूझत श्याम कान तो गोरी बूझत श्याम कान तो गोरी कहाँ रहती काकी है बेटी कहाँ रहती काकी है बेटी देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी बूझत श्याम कान तो गोरी बूझत श्याम कान तो गोरी। ब्रजतन आवती काहे को हम ब्रजतन आवती खेलती रहती अपनी पारी खेलती रहती अपनी पारी सुनत रहती श्रवण निनंद ठाटा सुनत रहती श्रवण निनंद ठाटा करत फिरत माखन दधि चोरी बूझत श्याम कान तो गोरी बूझत श्याम कान तो गोरी। तुम्हारो कहा चोरी हम ले हैं तुम्हारो कहा चोरी हम ले हैं खेलन चलो संग मिली जोरी खेलन चलो संग मिली जोरी सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बात निभुरई राधिका भोरी बूझत श्याम कान तो गोरी बूझत श्याम कान तो गोरी। गोकुल के नर नारी सभी को दुलारे थे कान्हा और ऐसा ही प्रेम कन्हैया सभी गोकुलवासियों से करते। गोकुल की नारियां जसोदा के सौभाग्य से हर्षित होती। कौन से अच्छे कर्मों के फल से उन्हें ये देवस्वरूप बालक मिला। जसोदा कमल नयन माँ
माखन के कारण कमल नयन माखन के कारण बांध उखल लाई जसोदा तेरा भलाई ओ है संपदा देव मुनि दुर्लभ सपने हूँ देन दिखाई याही ते तू गर्भ भुलानी याही ते तू गर्भ भुलानी घर बैठे निज पाई काहू को रोवत देखती सुत काहू को रोवत देखती दौर लेत हियालाई अब अपने घर के लड़का का अब अपने घर के लड़का का इति जड़ताई जसोदा तेरो भलो यो है माई। जब भी किसी ने कान्हा से मदद चाही उन्होंने उसकी भरपूर सहायता की। उन्होंने दुष्ट राक्षसों का संहार किया और लोगों की रक्षा की। युवा होने पर उन्होंने कंस को मारकर अपने जन्मदाता देव की वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया। काल यमन और तेरा व्रत बच्चा सुनते बड़े भारे यमुना में काली नाग बैठ दिन रात भरे जब तुम कारे एक जरा सिंध नामी राक्षस ने तो ऐसे बादर मारे भगवान नाम लेने वारे गिन गिन हाथन के संहारे एक जरा सिंध नामी राक्षस ने तो ऐसे बादर मारे भगवान नाम लेवे वारे गिन गिन हाथन के संहारे और चकटासुर कर रहे चकटासुर कर रहे जल भारी जब चार या जग माथे कृष्ण लियो अवतार या जग माथे कृष्ण लियो अवतार बैठ करन लागे धरनी पे बैठ करन लागे धरती पे पड़ बड़ अत्याचार या जग माथे कृष्ण लियो। श्री कृष्ण का कर्म प्रधान पक्ष जितना प्रबल है उतना ही प्रबल है उनका भाव प्रधान पक्ष। किसी बात का मूल्य व्यक्ति के भाव पर निर्भर करता है, उसके धन बल अथवा पद से नहीं। वो बात चाहे कही हो अनकही हो या बारंबार कही गई हो महत्वपूर्ण है भावनाओं का प्रत्युत्तर। श्री कृष्ण जीवन हमेशा स्मरणीय और वंदनीय है। श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ मूल्यों से जीवन आलोकित और कृष्णमय हो। धन्य
अभी आपने सुना केंद्रीय अभिलेखागार द्वारा निर्मित लोकगीत एवं लोक भजनों पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्रगट भयो गोपाल की रिकॉर्डिंग है। वाचक स्वर थे शोभना भारद्वाज एवं सिद्धार्थ भारद्वाज। परिकल्पना, आलेख एवं प्रस्तुति रंगोली श्रीवास्तव।